दोस्तों आपने 1991 में रिलीज हुई फिल्म फूल और कांटे तो देखी होगी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इस फिल्म में अजय देवगन और मधु मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यही वो फिल्म थी जिसके साथ अजय देवगन ने अपने करियर की शुरुआत की और वो सफल साबित हुए। इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकारों ने काम किया और वो सभी कलाकार अपने किरदार के साथ काफी प्रसिद्ध हुए। इन्हीं में से एक किरदार था रॉकी का, जो फिल्म का विलेन था, जिसे लोगों ने खूब सराहा था। लेकिन दोस्तों, रॉकी का किरदार निभाने वाले ये अभिनेता आज कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही इस फिल्म के लिए हमारी वीडियो को लाइक तो कर दो। फिल्म फूल और कांटे में रॉकी का किरदार निभाने वाले अभिनेता का असली नाम आरिफ खान है। अगर बात करें इनकी फिल्मी करियर की, तो उन्होंने साल 1991 में फूल और कांटे में रॉकी का किरदार निभाकर ही शुरुआत की थी। इस फिल्म में इन्होंने एक विलन की भूमिका निभाई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इसके बाद इन्होंने मोहरा, वीरगति, मुस्कुराहट, अहंकार, जमीर और मोहब्बत और जंग जैसी हिट फिल्मों में काम किया। इन्हें आखिरी बार 2007 की फिल्म ए माइटी हार्ट में देखा गया। इस फिल्म के बाद इन्होंने फिल्मी जगत से दूरी बना ली और तबलीगी जमात से जुड़ गए। इस संस्था से जुड़ने के बाद इन्होंने फिल्मों में जो पैसा कमाया था उसे उन्होंने दान कर दिया, जिसके चलते इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, पर फिर भी वो इस काम से जुड़े रहे। वर्तमान में इस्लाम की परंपराओं के साथ अपनी सीधी सादी जिंदगी बिता रहे हैं और विश्व भर में इस्लाम का प्रचार करने वाली संस्था तबलीगी जमात से मिलकर विश्व भर में अलग अलग स्थानों पर जाकर इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। वर्तमान में पुणे में अपने कपड़ों की दुकान चला रहे हैं। अब इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन अगर बात करें इनके लुक्स की, तो आपको बता दें काफी बदल चुके हैं, एक नजर में पहचान पाना मुश्किल है। इन्होंने पैंट शर्ट को छोड़कर कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया है। इन्होंने अपनी दाढ़ी भी काफी बड़ी कर ली है। अब वो पहले जैसे रॉकी विलन नहीं रहे, जैसे कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनका बदला हुआ रूप कैसा लगा? क्या आपको इनका ये रूप देखकर हैरानी हुई या नहीं, हमें कमेंट में बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।